हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? मस्त और बढ़िया। चलो आ जाओ। सबसे पहले सभी का वेलकम, बहुत 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 वेलकम। कमला बहन आपका बहुत बहुत स्वागत, भागीरथ जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इस सोनू चौधरी करके कमेंट कर रहे हो सर, आपका भी स्वागत। और जो देख रहे हमारे ऑडियंस, उन सभी का हार्दिक स्वागत। शुरू करते आज की क्लास। देखिए प्यारे बच्चों, कल वाली क्लास में आप लोगों को इलेक्ट्रिकल डाइपोल पढ़ाया गया, विद्युत विधुरव पढ़ाया गया और सारा बेसिक समझाया गया कि विद्युत विधुरव क्या होता है। आज हम उसके बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? उसके बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलो आप पहले क्वेश्चंस देख लो, थोड़ा सा ना सेटिंग करनी बाकी रहेगी, एक सेकेंड कर लेते हैं। चलो 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 जल्दी से क्वेश्चन को देख लो एक बार, है ना। तब तक मैं एसी की सेटिंग थोड़ी सी सेट नहीं हुई आज। चलो क्वेश्चन समझाना है क्या? पहले देख लो खुद से, क्वेश्चन का कोई पोर्शन कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है ना। ये लाइन दिख रही है क्या? चलो एक बार देखना पड़ेगा आगे जाके। बिल्कुल दिख रहे हैं। चलो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लो क्या कहना चाहते हैं। आपके पास में दो डायग्राम दे रखे हैं, एक डायग्राम ये वाला है तो दूसरा डायग्राम ये वाला है। यहां पे एक चार्ज रखा गया है Q1। कैसा चार्ज रखा गया है बच्चा? Q1। और बच्चे यहां पे भी दूसरा चार्ज रखा गया है Q2। क्वेश्चन कह रहा है द गिवन फिगर गिव्स इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू टू चार्जेस Q1 एंड Q2। हमारे पास में दो चार्ज है Q1 और Q2, उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स, यहां इलेक्ट्रिकल फोर्स लाइन जो है वो हमको दे रखी है और पूछा गया है कि इनके साइन क्या होंगे। तो आपको क्या निकालना है? इसकी नेचर कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? इसकी नेचर कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये क्वेश्चन है। हिंदी वाले चाहे तो लिख सकते हैं कि हमें दो आवेश Q1 और Q2 दिए गए हैं और उनके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं दी गई है, तो बताइए Q1 और Q2 की प्रकृति क्या होगी। नीट के पेपर का सवाल है 1994। कब का सवाल है रे? 1994। चलो करो सवाल, समझा दिए, एक मिनट का समय करो जल्दी से। फिगर दिख रहा है ना, मैं उस साइड हो जाता हूँ, आंसर नहीं दिखना चाहिए तुम्हें। चलो अब ठीक है, देखो तो सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तुम लोग। कर ले जल्दी से भागीरथ, क्या कर रहे हो तू? कॉपी खोल। हाँ कमला बहन जल्दी कर, आंसर नहीं है अभी तक तुम्हारा। हाँ बेटा एमी जल्दी कर ले, शक्ल मत देख मेरी, जल्दी कर फटाफट। चलो सबसे पहले ये चेक करो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आ रही है कि जा रही है। क्या कह रहा हूं? जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाएं है वो आ रही है कि जा रही है? गुरुजी मुझे कैसे पता चलेगा कि रेखाएं आ रही है कि रेखाएं जा रही है? आए या जाए मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा काम तो पढ़ना है। अच्छा बेटा क्या फर्क पड़ता है, बहुत बढ़िया, सुधर गया आजकल। देखो ये Q1 चार्ज, इस Q1 चार्ज के पास में ध्यान से देखोगे तो ये लाइंस जो है एरो बता रही है कि ये लाइन एंटर हो रही है, ये लाइन भी एंटर हो रही है, ये लाइन भी एंटर हो रही है और ये वाली भी एंटर हो रही है, ये वाली भी, ये वाली भी और ये वाली भी। यानी कि Q1 के पास में जितनी भी लाइन्स है वो सारी की सारी एंटर हो रही है। क्या हो रही है? एंटर अर्थात प्रवेश कर रही है। तो चार्ज की प्रकृति कैसी होती है जब लाइनें एंटर करती है, पॉजिटिव के नेगेटिव? बोल बेटा। अरे पॉजिटिव के नेगेटिव, गुरुजी नेगेटिव, बहुत बढ़िया। जब हमारे पास में चार्ज नेगेटिव होता है उस टाइम में जो है वो लाइन एंटर करती है। यानी कि इस चार्ज की जो नेचर है वो कैसी होनी चाहिए रे? नेगेटिव होनी चाहिए। बात करते इसकी, यहां पे क्या हो रहा है कि Q2 चार्ज के अंदर भी लाइनें हैं जो वो एंटर हो रही है। लाइनें क्या हो रही है? एंटर हो रही है। यानी कि चार्ज की भी वैल्यू कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव।
यानी कि दोनों की नेचर जो होगी क्वेश्चन के अंदर वो होगी नेगेटिव। कैसी होगी बेटा? नेगेटिव। Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव बिल्कुल नहीं होगा ये तो। Q1 नेगेटिव Q2 पॉजिटिव गलत, बोथ आर पॉजिटिव गलत, सी ऑप्शन बचा, बोथ आर नेगेटिव। सर हिंदी में भी लिख दीजिए, दोनों की प्रकृति ऋणात्मक है। चलो जो लिखना है लिखो, फिर मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ। कल से क्वेश्चन थोड़ा बीच में लेंगे ताकि क्या मैं यहाँ पे खड़ा रहूँ तो लिख भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो बेटा क्वेश्चन अच्छा है। पहले क्वेश्चन को समझो खुद से, ठीक है? एक बार क्वेश्चन का डायग्राम देखो और क्वेश्चन देखो, मेरे समझाने की जरूरत ना रहे, खुद से करने की कोशिश करो। मैं दिख नहीं रहा हूँ ना तुम लोगों को, मैं बीच में आ जाता हूँ तो फिर तुम्हारा क्वेश्चन। चल अब दिख रहा हूँ, चल इधर खड़ा रहना पड़ेगा मेरे को। देख क्या रहे हो, जल्दी से करो क्वेश्चन को, आंसर बोलो। 1 ABCD, सर जय माता दी, जो आए वो कर लो। ऐसा नहीं होगा बेटा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चंस बोल रहा है कि आपको आवेश Q1 तथा Q2 का अनुपात निकालना है। हिंदी वालों के लिए क्वेश्चन लिखना बहुत जरूरी है, आवेश Q1 तथा Q2 का अनुपात क्या होगा। मैंने आपको बताया तो एक लाइन आपको याद हो तो, मेरे को याद है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव नंबर ऑफ लाइन, रिलेटिव नंबर ऑफ लाइन्स। यानी कि आवेश का जो परिमाण होता है वो सापेक्ष रेखाओं की संख्या के समानुपाती होता है। यहाँ पे अब सबसे पहले देखो कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव। देखो हाँ बेटा बोल, यहां पे लाइन आ रही है कि जा रही है? इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन सेंटर हो रही है या वहां से जो है वो एग्जिट हो रही है? सर यहां से तो बाहर निकल रही है। अगर लाइनें बाहर निकले तो चार्ज कैसा होता है? तो चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो। बिल्कुल सर, इसमें कोई भी शक और संशय वाली बात नहीं है। तो ये चार्ज हुआ पॉजिटिव, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे मेरे बच्चे। इसके बाद में ये लाइन कहाँ एंटर हो रही है? Q2 में। और अगर लाइन एंटर हो जाए, अगर लाइन एंटर हो जाए तो चार्ज की नेचर कैसी, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर नेगेटिव। तो Q2 कैसा? नेगेटिव। Q1 कैसा? पॉजिटिव। ये चीज तो पता चल गई। अब आपको इनके मैग्नीट्यूड निकालने हैं तो देखना है कि वहां पे लाइंस कितनी है, सापेक्ष यानी रिलेटिव लाइंस कितनी है, उनका जो नंबर होगा वही चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अगर आपको Q1 अपॉन Q2 निकालना है तो यहां पे काउंट कीजिए कितनी लाइंस है। करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइंस। सर हिंदी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव 12 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 शहिंदे प्लेस 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव 4 से डिवाइड कर लिया तो Q1 अपॉन Q2 दैट इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 माइनस क्या? गलत गलत गलत, तू सही तू सही तू सही। झिंगूर लिख दे जल्दी से, आंखें क्या निकाल है, फटाफट लिख।
चलो लिख दिया, ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलो बहुत प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल, पहले लिख दो, सबको लिखवा देता हूँ मैं ना, ठीक है लिखिए। हिंदी वाले लिख दीजिए, इंग्लिश वाले तो देखते ही समझ के होंगे। हिंदी वाले क्वेश्चन को लिखिए। तीन धनात्मक आवेश, तीन समान धनात्मक आवेश कर दो, तीन समान धनात्मक आवेश जिसका मान स्मॉल क्यू है, तीन समान धनात्मक आवेश जिसका मान स्मॉल क्यू है, जो जो समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे गए हैं, जो समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे गए हैं, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र रेखाओं का परिणामी विद्युत क्षेत्र रेखाओं का कौन सा चित्र सही होगा, कौन सा डायग्राम सही होगा। ये चार डायग्राम दे रखे, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ये ABC त्रिभुज के शीर्ष पर रखे गए, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक हमारे पास में इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उस इक्विलैटरल के ट्रायंगल के तीनों वर्टिक्स के ऊपर चार्ज रखा गया स्मॉल क्यू, तो बताना है कि स्मॉल क्यू से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स आएगी वो क्या आएगी, ये बताना है। तो पहली चीज तो देखो कि क्लोज लूप कहाँ कहाँ बन रहा है वो सीधा कैंसिल कर दो। एक क्लोज लूप यहाँ आ रहा है सर, ये देखो, एक क्लोज लूप ये देखो सर बीच में आ गया सेंटर पे, एक देखो यहाँ पे भी सर, देखो ये वर्टेक्स है तो वर्टेक्स के चारों तरफ क्लोज लूप मिल रहा है। यहाँ कोई भी क्लोज लूप मिल रहा है क्या? क्लोज लूप नहीं मिल रहा है। और ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज, ही की सारी लाइन्स बाहर निकल रही है, बस खत्म। ये कोई सवाल था क्या? बहुत ही वाहियात और घटिया और अच्छा सवाल, जल्दी से लिख दो, आपको लाइन्स बनानी पड़ेगी तो फटाफट बना लो। आप साइड में हो जाओ सर। बना लिए क्या? जल्दी करो। आज पता है कितना सुकून है, फ़ोन को बंद करके रख दिया क्योंकि पिछले 2 दिनों में कंटिन्यू हो गया, मोबाइल पास में था, किसी न किसी का फ़ोन आ ही जाता है। स्विच ऑफ कम्प्लीटली। बच्चों से बढ़ के कुछ नहीं है, बच्चों की पढ़ाई से बढ़ के लाइफ में कुछ नहीं है। मिल तो कुछ भी नहीं रहा है, वो तो मेरे को पता है, पर एक सेटिस्फिकेशन है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। लाइफ में हर इंसान की खुशी पैसों से नहीं होती है। जैसे तुम झिंगूर देखो, बस पढ़ क्यों रहे हो सर, पैसा कमाना है। अरे लाइफ में पैसों के अलावा भी कोई ना कोई काम होते हैं, पता है कि तुम जो काबिलियत बना रहे हो ना, वो काबिलियत किसी के काम आ जाए। मैं तो कहता हूँ अगर एक स्टूडेंट के भी काम आती ना, तो ये जो सेटअप लगा हुआ ना 6-7 लाख का, अपने पैसे वसूले, ठीक। अब ना तो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, ना कभी किए। चलो सवाल लिखो, नेक्स्ट पहले लिखवा देता हूँ। देखो लिखवाने की जरूरत नहीं है, हिंदी वालों के लिए क्या करना है ध्यान से देखना। एक चार्ज लिख देना क्यू ए, जिसका मान ये है क्यू बी का मान इसका है। आपको जो निकालना है कुल निकाय का कुल द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, ये सवाल है आपके पास। देखो आपके पास एक चार्ज है +2.5 × 10⁻⁷, दूसरा है −2.5 × 10⁻⁷। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास में एक डाइपोल है, उसको दो बिंदु पर रखा गया है, एक ए और बी, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब जेड एक्सिस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जेड एक्सिस पे। और जेड एक्सिस पे कहां कहां रखे गए? एक रखा गया -15 और एक रखा गया +15। आई बात समझ में? चलो इस सवाल को क्वेश्चन को डायग्राम से ड्रॉ करके बनाते हैं। बहुत बढ़िया,
ये देखो इस तरीके से, एक चार्ज है दूसरा चार्ज है। देखिए बेटा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जहाँ पे नहीं, सिर्फ जेड एक्सिस की बात करेंगे, तो हम इसको जेड एक्सिस मान लेते हैं, इसको मान लिया जेड। अब देखो प्लस 15, प्लस 15 और माइनस 15, यानी कि प्लस 15 और माइनस 15, तो प्लस वाला पोर्शन कहाँ रहता है जेड का, ऊपर, नेगेटिव पोर्शन कहाँ रहता है इधर, तो पॉजिटिव में कौन सा आ रहा है, ये वाला चार्ज है ऊपर जो है वो क्यू बी प्रेजेंट है, ये रहा मेरा चार्ज क्यू बी, और नीचे कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, क्यू ए। सर साइड प्लीज, लो बेटा देखो कैसे पता चला कि क्यू बी चार्ज जो है वो हमारा ऊपर है, वो पता चला हमें यहां से, इसका कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आना चाहिए और पॉजिटिव में कौन सा चार्ज है, क्यू बी, यानी कि यहां पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। उसके बाद में सीधा सीधा लिख दो ना, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है तो क्या बनता है, डाइपोल, और उसका जो डायरेक्शन होता है वो माइनस से पॉजिटिव की तरफ होता है, कहाँ होता है, माइनस से पॉजिटिव की तरफ, ये लीजिए डायरेक्शन, यानी कि ये हमारे पास में एक डाइपोल है, ये हमें समझ में आ गई। तो एक बात तो समझ में आ गई कि डाइपोल की डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रही है, मतलब माइनस जेड एक्स पे जा रही है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो माइनस के कैप होगा। ऑप्शन चेक करो जिसमें माइनस के कैप हो, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, एंड इन दोनों में से एक सही है। इन दोनों में देखोगे केवल और केवल पावर का डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, पावर का, करते इनके बीच के डिस्टेंस निकालते, तो ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, 15 सेंटीमीटर, मेरे लाल पीले नीले 15 सेंटीमीटर, तो मेरे हरे और काले बता ये डिस्टेंस कितना, तो ये डिस्टेंस बेटा 15 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, रे बिल्कुल होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इन दोनों के चार्ज की बीच की डिस्टेंस बोल डी कितनी बेटा, डी, तो डी बराबर आ गया 30 सेंटीमीटर। सर इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 30 × 10⁻²⁪ मीटर, क्या सही बात है कि गलत बात, बिल्कुल सही बात। चार्ज का परिमाण कितना, ये डी है बेटा ना, क्यों नहीं है जाने, ये चार्ज का परिमाण 2.5 × 10⁻²⁷। अगर मैं डाइपोल मोमेंट निकालना चाहूं तो कल पढ़ाया था द्विध्रुवा गुण बराबर चार्ज गुणा उनके बीच की दूरी, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई टू द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, यानी कि एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणा ले लिया जाए तो द्विध्रुवा गुण मिलता है। सर अच्छा बहुत बढ़िया बात, आवेश का परिमाण बोलो बच्चों कितना है, आवेश का परिमाण है 2.5 × 10⁻⁷। गुरुजी अच्छा डिस्टेंस बोल दो, 30 × 10⁻²⁷ मीटर, तो इसका यूनिट क्या है, कूलाम, इसका मीटर तो कूलाम मीटर, डायरेक्शन पहले ही बोल दिया नीचे की तरफ आएगा तो माइनस के कैप, ये गया तो नीचे 10 ने 10 को, ये बन गया 75 × 10⁻⁹। ओ माय गॉड 10⁻⁹ तो आंसर में ही नहीं है, क्या क्वेश्चन गलत हो गया, क्या गड़बड़ी कर दी क्या बेटा, चेक कर, तो गड़बड़ी नहीं की है, ये 75 है और ये 7.5, एक 10⁻⁸ कर दो, एक 10⁻⁻ ले लो, ये 10⁻⁹ नीचे गया तो 75/10 बना, ये 10⁻⁸, ये कितना बना 7.5, ये कितना 10⁻⁸, यूनिट कितना कूलाम इंटू मीटर, तो 7.5 × 10⁻⁸ कूलाम गुणा मीटर आएगा। इस पे दिखा क्या मैंने जो लिखा हो, चलो दिख गया सर, बड़ी वाली स्क्रीन पे दिख लेगा, बड़ी वाली स्क्रीन पता नहीं इससे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रही कैमरा से, इसीलिए मेरे को ना बार बार कैमरे की तरफ है, बड़ी स्क्रीन पड़ी है साइड में रखी हुई है, ठीक है, तो पहले OBS से लेते थे तो उसमें सब कुछ दिख जाता था, पर उसमें क्वालिटी और साउंड का जो है वो इशू आ रहा था, इसलिए डायरेक्ट किया है मैंने, ठीक है, डायरेक्ट में बहुत दिक्कत आई। चलो लिखो जल्दी से,
फटाफट लिखो रे झिंगुरों बदमाशों। लिख दिया। ग्रीन पे वाइट दिख तो रहा है ना, बता देना है ना कमेंट करके। नहीं दिख रहा हो तो एक बार मैं वैसे मैं लिख के भेज दूंगा आपको ना ग्रुप में डायरेक्ट। ये सवाल देखो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वेश्चंस, इसका कंसेप्ट बहुत अच्छा है। इसमें जो ट्रिक काम में लेते ना, कंसेप्ट काम लेते, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। इसमें देखो वेक्टर का भी कॉम्बिनेशन है, डाइपोल का भी कॉम्बिनेशन है, दो कॉम्बिनेशन साथ में। कैसे, ध्यान से सुनना। लिखो, आवेशों के संयोजन का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। हिंदी वाले क्या लिखोगे? आवेशों के संयोजन का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। ये एक डायग्राम दिया हुआ है, इससे डायग्राम को आपको देखते हुए, इस पूरे सिस्टम को देखते हुए, सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकालना है। ये सवाल है, पी नेट निकालना है। इंग्लिश वाले समझ गए होंगे, ठीक है। फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द चार्ज एज शोन इन द फिगर। डायग्राम के अंदर जो दो चार्जेस दिए गए हैं, एक सर दो नहीं है, ध्यान से देखो, एक दो तीन चार्जेस। इन तीनों चार्जेस का सिस्टम बनेगा तो उसके कारण डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, ये आपको फाइंड करना है। अच्छा, डिजिटल बोर्ड पे ऐसे भी होता है क्या? मैंने कभी देखा भी नहीं था यार। वो तो बेटा नीचे ही रहा कर। हो गया। ए बी सी डी, विच वन इज द करेक्ट? सर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डरावना। और फिजिक्स तो डरावनी होती है, एप्पल जैसी स्वीट होती नहीं है। बी फॉर बनाना, वो तो कभी फिजिक्स होनी नहीं है। सी फॉर कैट, वो तो कभी होना ही नहीं है। डी फॉर डरावना हो सकता है, इसका आंसर मैं डरावना लगाऊंगा। मैं तुक्के के हिसाब से, देखो तुक्का मारना भी सिखा रहा हूँ तुम लोगों को, कि तुक्के मार के भी क्या आंसर आएगा, क्या सही है या गलत है, वो तो मैं बात नहीं कर रहा, मैंने तुक्के से किया। सर कंसेप्ट से कैसे करेंगे? ध्यान से सुनो बेटा, कंसेप्ट से सवाल को करने के लिए देखो बेटा, ये टू क्यू चार्ज है, इसको ब्रेक कर दो, प्लस क्यू और प्लस क्यू, ये चार्ज भी प्लस क्यू और ये चार्ज भी प्लस क्यू। इसके साइड में रख दो एक प्लस क्यू इधर, इसके साइड में रख दो एक प्लस क्यू इधर। यानी कि हमने क्या किया, इस प्लस टू क्यू को जब इसके साथ में बात की तो प्लस क्यू इधर रखा, इसके साथ में बात की तो प्लस क्यू इधर रखा। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बात। और आप लोग जानते हैं कि माइनस क्यू और प्लस क्यू का क्या बनता है? डाइपोल। ये डिस्टेंस कितना है? तो ये डिस्टेंस हमारे पास में ए है। डाइपोल की डायरेक्शन बोल तो रे, हाँ जल्दी बता, क्या शक्ल देख रहे? कल नहीं बताया था, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये आगे डायरेक्शन इस तरीके से। एक ये वेक्टर बन गया आपका पी। उसी तरीके से ध्यान से देखोगे तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? इनके बीच का भी डिस्टेंस है, इनकी डायरेक्शन कहाँ आएगी? इधर। कितनी आएगी? पी। इस तरीके से तो आपके क्वेश्चन इस तरीके से बन गया। ये दो वेक्टर बन गए पी और पी 90 डिग्री में, इनका रिजल्टेंट निकालना है। अगर आपको इनका रिजल्टेंट निकालना है तो आप क्या करो? अरे भाई ये क्या हो गया, बड़ी मिस्टेक हो गई। चलो कोई बात नहीं, अपन ऐसे काम चला लेते। इस वेक्टर को आगे बढ़ाओगे तो ये वेक्टर ऐसे बनेगा, इस वेक्टर को आगे बढ़ाओगे तो ये ऐसे बनेगा। अब ये दो वेक्टर हो गए, ये भी पी और ये भी पी, इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? इनके बीच में आएगा, उसे पी आर कह दो। ये कितना आएगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई पी कॉस ऑफ 90। कॉस 90 जीरो, तो पी रिजल्टेंट कितना आ गया? अंडर रूट 2 पी स्क्वायर, अर्थात अंडर रूट 2 पी।
पी बराबर क्या होता है, चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस। तो रूट टू चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना, क्यू, डिस्टेंस कितना, स्मॉल ए। रूट टू क्यू, ये कौन सा आंसर था, देखो डी फॉर डरावना, तुक्के से भी सही कर दिया झिंगुरो कहीं के, किसी एक का भी आंसर तो आया नहीं था। सर तुक्के से भी सही होते हैं क्या, होते ही जे। अब तुम्हारी तरह थोड़ी है कि कुछ करे नहीं, निटलो की तरह बैठ जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कभी। साइड प्लीज, येलो साइड प्लीज। एक क्वेश्चन करवा देते हैं उसके बाद। आगे देखो, कर लोगे होमवर्क, बता दे दूं करना कैसे है, ठीक। ऑप्शन पे मत जाओ, ऑप्शन आपको नहीं दिख रहे, कोई बात, उत्तर आपको नहीं, गुरुजी करवा दो ना यार, कौन करेगा, ले देख ले। देखो ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस टू। चल हिंदी वालों को पहले लिखवाओ, लिखो पहले सवाल। तीन आवेश समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे गए हैं, तो निकाय का कुल द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। ये सवाल इंग्लिश वालों, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस प्लेस ऑन द वर्टिक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल शोन इन फिगर। सेम क्वेश्चन है जो अभी किया। देखो तीन वर्टिक्स है, एक दो और तीन, इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे कैसा चार्ज, प्लस क्यू, इस पे कैसा चार्ज, माइनस टू क्यू। इसको तोड़ो, माइनस क्यू माइनस क्यू, एंड एक बार माइनस क्यू यहां रखो और एक बार माइनस क्यू यहां रखो। इस माइनस टू क्यू तोड़ा, एक माइनस क्यू इधर, एक माइनस क्यू इधर दे दिया, तो एक बार माइनस क्यू इधर रखो और एक बार माइनस क्यू इधर रखो। अब देखो ध्यान से, माइनस क्यू से प्लस क्यू क्या बन गया, एक हमारे पास में बन गया ये डाइपोल P। इसी तरीके से यहां पे भी देखोगे, देख क्या बन गया, डाइपोल, ये रहा डाइपोल P। कुल मिला के बात सर ऐसी है, एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, एंगल कितना है, ट्रायंगल कौन सा था, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कितना एंगल होता है, 60 डिग्री, प्रत्येक का ना, ईच एंगल 60 डिग्री होता है। तो इसका रिजल्टेंट कहां आने वाला है, इसका रिजल्टेंट बीच में आने वाला है गुरुजी, इस तरीके से, ये पी, ये पी, तो ये पी आर हो जाएगा गुरुजी। पी आर कैसे निकालोगे, तो पी आर बराबर अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस टू गुणा पी कोस ऑफ 60, हिंदी वालों कोस 60। पी आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई वन बाई टू, वन बाई टू से टू गया, पी आर बराबर आ गया अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर पी स्क्वायर पी रिजल्टेंट बराबर रूट थ्री पी बराबर रूट थ्री। एक चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू, डिस्टेंस कितनी है, एल, रूट थ्री क्यू एल इसका आंसर आ जाएगा। अब पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो ये देखो बेटा नीचे की तरफ आ रहा है और वाई एक्स नीचे जाता है तो क्या होता है, माइनस जे कैप, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस जे कैप, माइनस लिखा हुआ है तो जे कैप आ जाएगा, ये केवल और केवल जे कैप आएगा, ध्यान रखना ये पॉजिटिव था। चलो जल्दी करो, अगला क्वेश्चन करना है फिर।
क्वेश्चंस देखो, समझा दो पहले, हिंदी में लिखवा देते हैं। इतना बड़ा सवाल है, नीट 2007 के पेपर का सवाल है पहली चीज तो ये, और इतना आसान क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन कराने के बाद ये क्वेश्चन आप लोगों से होना चाहिए। समझा मैं देता हूँ, सॉल्व मैं नहीं करके दूंगा इस क्वेश्चन से, ठीक है? देखो ध्यान से, सुनो और समझो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। 3 point charges plus q minus 2q and plus q are placed at these points. The magnitude and direction of electrical dipole of the charge assembly. हिंदी में पहले सवाल लिख दो। तीन बिंदु आवेश plus q minus 2q तथा plus q को पहले ये लिखना, x बराबर 0, y बराबर a, z बराबर 0, फिर लिखना कॉमा, दूसरा पॉइंट लिख देना x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, ठीक है? फिर तीसरा पॉइंट लिखना x बराबर a, y बराबर 0, z बराबर 0 पे कर्मशः रखा गया है। फिर लिखिए द्विध्रुव, इस निकाय का कुल द्विध्रुव आघूर्ण तथा दिशा ज्ञात करें। ऑप्शंस चार सेम के सेम, इस तरीके से पॉइंट लिख दो पहले ना, पॉइंट कौन कौन से बेटा यह ध्यान रखना। एक पॉइंट जो पहला वाला था वो था 0a0, 0a0। दूसरा वाला जो पॉइंट था वो था 0 0 0, है ना, ओरिजिन दे रखा है 0 0। तीसरा मेरे हिसाब से a 0 0 दे रखा है, चेक कर लेते हैं ना, a 0 0 दे रखा है। चार्ज कौन कौन सा रखे, प्लस क्यू, माइनस टू क्यू और प्लस क्यू, ये रखे है क्या? ठीक है, अब ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमारा रहेगा इन चार्ज को प्लेस करने का काम। ये ओरिजिन बन गया बेटा, इस तरीके से ये हमारा ओरिजिन बन गया 0 0 0। अब दूसरा पॉइंट देखना है कौन सा बेटा, 0 a 0, वाई एक्सिस कौन सी है, ये वाली वाई है, तो ये आपका रहा पॉइंट इस तरीके से 0 a 0। फिर तीसरा पॉइंट आप यहाँ पे ले लीजिए a 0 0, यहाँ पे कितना चार्ज रखा गया है, माइनस टू क्यू, ये लीजिए, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, तो बेटा माइनस टू क्यू चार्ज को ब्रेक करोगे तो यहाँ माइनस क्यू बनेगा और एक इधर माइनस क्यू बनेगा, दो चार्ज मिल गए, तो एक डाइपोल ऐसे आएगा और दूसरा डाइपोल ऐसे आएगा। जब वेक्टर डायग्राम बनाओगे तो ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, इस तरीके से, तो एक डाइपोल ये रहा पी, ये रहा पी, अगर 90 डिग्री हो तो कहाँ आता है बेटा, पी रूट टू आता है। अब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो जो हमारा कोऑर्डिनेट आएगा वो एक्स और वाई पर आएगा, तो जेड क्या बनेगा, जीरो, इसका भी ये, इसका भी ये, और उसका क्या बन जाएगा, जीरो। पी का मतलब क्या, एक चार्ज का परिमाण कितना है हमारे पास, एक चार्ज का परिमाण क्यू है। डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस हमको ए दे रखा है, तो क्यू ए रूट टू क्यू ए, और इसकी लोकेशन हो जाएगी a, a, 0। देखो ध्यान से, सबसे पहले a, a, 0 कहाँ पे आ रहा है वो देख लो। सबसे पहले देखो, इन्होंने बोला कि इन दोनों को मिलाने वाले हैं, तो ये पॉइंट तो कौन सा है, 0 0 0 और a, a, 0 को मिलाने वाले हैं। तो देखो इसमें 0 0 0 0 दोनों में है, यहाँ पे a a 0 दोनों में, यानी मैग्नीट्यूड में चेक करना, ये रहा, इस तरीके से हो जाएगा। आई बात समझ में, चलो साइड में हो गए भाई, तुम्हें साइड बहुत अच्छी लगती है सर, साइड में हो जाओ।
चलो अगला सवाल लिखो ढंग से, ये आपका आंसर लिख दो यहाँ पे। यहाँ से क्वेश्चन हट गया है कि ना? चलो ये सवाल देखो, लिख दो पहले हिंदी वाला लिख दो सवाल। कौन कौन से पेपर में ये भी लिखा हुआ है, MPPMT मध्य प्रदेश PMT, RPT इंजीनियरिंग का पेपर हुआ करता था पहले, ठीक है, MPPET इंजीनियरिंग का पेपर हुआ करता था पहले, और PMT BCC। यानी ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है। पहली चीज़ क्वेश्चन क्या है, ध्यान से लिखो लिखो। विद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर, r दूरी पर अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव का मान क्या होगा? अभी निकाला था, जब डाइपोल से r दूरी बोलते थे कहाँ से लेते थे, सेंटर से लेते थे ना, तो क्या आता था, अक्ष बोलते तो क्या देता है, 2KP/R³। अब देखो कौन सा आंसर सही होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R³। ये तो दोनों होने ही नहीं, तो ये क्या है, डायरेक्टली है कि इनडायरेक्टली, इनवर्सली है, आंसर बी हो जाएगा इस तरीके से। अच्छा सवाल था, प्यारा सवाल, जल्दी करो। थोड़ा सा ना कैमरा सेटिंग सही नहीं हुआ ना, चलो ये सवाल अच्छा है ना, चलो अच्छा सवाल है तो सिंपल सा, ये कंसेप्ट अच्छा है। CPMT 1997 पहले एक एग्जाम हुआ करता था, CPMT सेंटर का हुआ करता PMT एकदम, अभी नीट होते हैं, पहले नहीं होते थे, पहले हर स्टेट का अलग अलग होता था, ठीक है, अपने राजस्थान में तो RPMT हो जाता था, गुजरात है तो GPMT होता था, ठीक है, मध्य प्रदेश है तो MPPMT। उसी तरीके से इंजीनियरिंग के लेवल के होते थे तो क्या करते थे, RPET MPET इस तरीके से एग्जाम करवाते थे। सवाल लिख दो पहले, दो आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू एक मिनट के सवाल के अंदर मिस्टेक है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ऑफ ए डाइपोल इज आर, ठीक है, ओके, ये दूरी है दोनों चार्ज के बीच के, ठीक है, तो दो आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू जिनके मध्य दूरी ए है, तथा अच्छा स्मॉल आ रहे हैं ना, सॉरी ये तो इसका था, अल्फाबेट का था क्या, चल दो आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के मध्य दूरी स्मॉल आ रही, तथा द्विध्रुव के अक्ष के मध्य बिंदु से, द्विध्रुव के अक्ष के मध्य बिंदु से स्मॉल डी दूरी पर द्विध्रुव आघूर्ण का मान, स्मॉल डी दूरी पर द्विध्रुव आघूर्ण का मान किसके समानुपाती होगा? इंग्लिश वाला सवाल लिखा हुआ है, बोर्ड पर ध्यान से देखिए। देखो सवाल क्या कह रहा है, एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा है माइनस क्यू, इन दोनों को मिलाने वाले मध्य बिंदु से डी दूरी पे आपको अक्ष पे जो है वो तीव्रता निकालना, सॉरी अक्ष पे जो है वो आप लोगों को द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो अक्ष पे द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 2KP/, ये वाली डिस्टेंस कितनी देर की है, डी क्यूब, भाई जब कल मैंने R³ लिखा था तो वो R³ कहाँ था, इसके सेंटर से ही तो डिस्टेंस थी जहाँ पे फाइंड करना होता था। 2KP का मतलब क्या होता है, चार्ज इंटू उनके बीच की डिस्टेंस, तो चार्ज कितना है क्यू, डिस्टेंस कितनी है R/dQ, तो P प्रोपोर्शनल हो गया KQR/dQ, यानी QR/dQ ये रहा आंसर नंबर 3। जल्दी करो,
चलो अगला सवाल देखो जल्दी से। ऑफलाइन में अपनी 2 घंटे पढ़ा लो पर थकते नहीं, इधर 1 घंटे में पता नहीं क्या हो जाता है, थकान सी लगने लग जाती है, क्योंकि बच्चे होते नहीं ना सामने, किसको पढ़ाया, दीवारों को पढ़ा रहे तुम्हारी तरह। चलो जम्मू कश्मीर का सवाल है सीईटी का 2005 का, क्वेश्चन लिख दो हिंदी में पहले लिखो। दिदूर के अक्ष पर दिदूर्वागुण का मान कैपिटल ई है, दिदूर के अक्ष पर दिदूर्वागुण का मान कैपिटल ई है, यदि डाइपोल को 90 डिग्री घुमा, यदि दिदूर्वागुण को लंबवत अक्ष के 90 डिग्री घुमा दिया जाए, तब उसी पॉइंट पर दिदूर्वागुण का मान क्या होगा। इस तरीके से डाइपोल है हमारे पास में, इस तरीके से डाइपोल क्या होता है, 2 चार्ज का कॉम्बिनेशन होता है, तो एक माइनस क्यू यहां रख दो और एक प्लस क्यू यहां रख दो, ठीक। अब इसके कारण अक्ष पे कहीं पे यहां पे आप लोगों को एक पॉइंट पी, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, इसको घुमा दिया, फिर बताना इसी पॉइंट, इसको घुमा दिया, घुमाने के बाद इसी पॉइंट पर आपका डाइपोल कितना आएगा ये आपको बताना। जब आप घुमाओगे इसको ये घुमा दिया, अब जब आप घुमाओगे तो माइनस क्यू चार्ज कहां चला जाएगा, ऊपर, प्लस क्यू चार्ज कहां चला जाएगा, नीचे। अब सेम इसी पॉइंट पे निकालना, ये कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये ई एक्सिस है, तो एक्सिस पे कितना मान दे रखा है, ई दे रखा है, ये क्या बन गया, इक्विटोरियल बन गया, क्या बन गया, इक्विटोरियल मतलब परपेंडिकुलर, यहाँ पे ज्ञात करना है, तो सेम चीज़ यहाँ से इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ज्ञात करते। एक रिलेशन बताया था मैंने आप लोगों को याद हो तो, कि ई ए बराबर 2 टाइम्स ऑफ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का कितना आ जाएगा, ई ए अपॉन 2, ई ए कितना दे रखा है, ई अपॉन 2, ये हो जाएगा। एक सिंपल से रिलेशन पे सवाल पूछ गया, तो आपके भी पूछा जा सकता है कि भाई चार्ज का सिस्टम है, एक डाइपोल बना रहा है, उसके अक्ष पे ई आ रहा है, यदि इस डाइपोल को घुमा दिया जाए तो उसी पॉइंट पर वापस कितना आएगा। अब डाइपोल को घुमा दिया, ये कौन सी स्थिति बन गई, ये एक्सियल थी अक्षीय, ये कौन सी बन गई, इक्विटोरियल यानी कि परपेंडिकुलर, अर्थात निरक्षीय। इसका एक रिलेशन बताया था कि नहीं बताया था, अरे कल याद करो, तो इसका ये आंसर हो जाएगा, जल्दी से लिख दो फटाफट। E by 2 कौन सा ऑप्शन है बेटा, ये वाला, फास्टली करो, फास्टली 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 करो, जल्दी करो सवाल, पहले समझ लो इंग्लिश के अंदर, फिर हिंदी में करवाते हैं। '98 का सवाल है पेपर, ये पूरा सवाल जो है ना, मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ, चाहे हिंदी में लिखवाने की भी जरूरत नहीं, ये पूरा सवाल क्या कह रहा है कि एक चार्ज है माइनस क्यू, दूसरा चार्ज है प्लस क्यू, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड
इलेक्ट्रिकल डाइपोल कितना आएगा, इस डायरेक्शन में आता था, कितना आता था, के पी अपॉन आर क्यू, यानी कि पी की पावर जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड रहेगा वो पी के प्रोपोर्शनल और आर की पावर माइनस थ्री के प्रोपोर्शनल। वो सीधा सीधा कहना चाहता है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ख़त्म। इससे अगले वाला सवाल बहुत प्यारा है, ये खुद से करने की ट्राई करना बेटा। दिस इज द वन एंड गुड क्वालिटी क्वेश्चंस, बहुत प्यारा सवाल, मतलब पूरा कंसेप्ट खोल देगा डाइपोल के, है ना। ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं बेटा, बड़े राजी हो रहे थे सर कराएंगे, क्योंकि डाइपोल का सारे कंसेप्ट समझाती, थीम बता देता हूँ क्या करना है। देखो ये डाइपोल ऐसे जा रहे थे, एक चार्ज यहाँ मान लेना माइनस क्यू, एक चार्ज मान लेना यहाँ पे प्लस क्यू, आई बात समझ में। अब ये प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ पे आपको प्लस क्यू चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ लगना है, क्योंकि इक्विटोरियल पोजीशन होगी तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर लगना है, इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड भी इधर लगना है। इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण यहाँ पे फोर्स कितना लगना है, क्यू ई, इसके कारण भी कितना लगना है, क्यू ई, तो दो फोर्सेस क्यू लग गए, तो नेट फोर्सेस कितना आ गया, टू टाइम्स ऑफ क्यू ई, टू टाइम्स ऑफ की, और ये बाइसेक्टर लाइन, बाइसेक्टर लाइन अर्थात निरक्ष पे कितना होता है, के पी अपन आर क्यूब होता है, तो ये कितना बन गया, टू क्यू इंटू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपन आर क्यूब, यह आ गया क्यू पी, ये रहा क्यू पी अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब अपन जो ये आर डिस्टेंस लेते थे वो कौन से लेते थे, उसके मिड पॉइंट से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, ये ए है, तो यहाँ पे ए क्यूब, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान से, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो सबसे पहली चीज़ अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फोर्स ही पूछा जाना, फोर्स ही पूछा था, चलो बल का मान क्या होगा, ठीक है। तो हिंदी में है कि एक द्विध्रुव आघूर्ण को, एक द्विध्रुव को पी को रखा दिया जाए तो कुल बल का मान कितना होगा, तो सबसे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अपवर्ड के दो ही है, अपना टू कट जाएगा यहाँ से, तो नीचे टू बचना चाहिए, कहाँ बचना चाहिए, नीचे टू बचना चाहिए, नीचे टू वाला ये रहा, अपवर्ड के दो रे तीन ही है, तो नीचे टू है नहीं, है नहीं, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, ये आंसर आ जाएगा, मैंने करवा भी दिया एक बार, खुद से भी कर लेना, ठीक है। चलो लिखो जल्दी से, आज थकान बहुत ज़्यादा हो रही, पानी पीना पड़ रहा है बहुत। पानी भी खत्म हो गया था, चलो अब आते हैं ये वाले सवाल, टॉर्क के सवाल आगे। देखो ए डाइपोल ऑफ मूवमेंट पी, एक द्विध्रुव आघूर्ण पी को एक एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है, तब वहां पे बल आघूर्ण कितना लगेगा, ये हिंदी में बोल दिया मैंने, ये नीट के पेपर का सवाल है। एक द्विध्रुव आघूर्ण पी को एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है तो टॉर्क कितना लगेगा, कल ही पढ़ा था पी क्रॉस ई, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पी, ठीक है। चलो अगला वाला सवाल देखो ध्यान से, कोशिश करना समझने की, 2016 का पेपर, कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन देखो नीट के पेपर का 2016 तो देखो, अगर फेज टू देख लो ना तो समझ लेना वो सवाल डिफिकल्ट था। क्या था 2016 फेज टू, अरे पेपर आउट हो गया था, वापस हुआ था, जो अभी मैटर चल रहा है ना उसी तरीके का, पेपर पूरा आउट हो चुका था तो वापस हुआ था, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन सर हिंदी में लिखवा दो, चलो लिखो लिखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसका मान 2×10^5 न्यूटन प्रति गुलाम है, के साथ 30 डिग्री के कोण पर विद्युत द्विध्रुव को रखा गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2×10^5 न्यूटन प्रति गुलाम के साथ 30 डिग्री के कोण पर विद्युत द्विध्रुव को रखा गया है, तो उसे 4 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है, तो उसे 4 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है।
यदि द्विध्रुव के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, यदि द्विध्रुव की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, यदि द्विध्रुव की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो आवेश का परिमाण क्या होगा, सवाल है ये। आई बात समझ में? लीगल फिर पेज चेंज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। थकान बहुत हो गई। अच्छा चलो लास्ट चीज आ गया। ओ माय गॉड, यहाँ पे मैंने कंसेप्ट लिया ही नहीं आज। पेपर लेना था ना। ओके, पूरे दिन ग्रीन पे पड़े, अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। देखो सवाल को ध्यान से सुनना। एक समान इलेक्ट्रिकल फील्ड है ई, उस इलेक्ट्रिकल फील्ड में एक डाइपोल है पी जो 30 डिग्री के कोण पे रखा गया। ये सवाल है हमारा। अब पी का मान कितना है ये देखना है, ई का मान कितना है ये। ई का मान तो 2 × 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर दे रखा है, कूलाम होता है ना, मीटर कहाँ से होता है। ठीक है, उसके बाद में ध्यान से देखोगे टॉर्क दे रखा है आपको 4 न्यूटन मीटर का। टॉर्क बराबर 4 न्यूटन मीटर का दे रखा। ठीक है, आपको दोनों के बीच की लेंथ दे रखी है डाइपोल की 3 सेंटीमीटर थी, कितनी थी 2 सेंटीमीटर। देखो टॉर्क बराबर क्या होता है, पी क्रॉस ई, यानी कि पी साइन थीटा होता है, यानी कि पी साइन 60 कर दूं। पी बराबर क्या होता है, क्यू इंटू एल होता है, ई साइन 60 कर दूं। अब क्यू का मान अपने को ज्ञात करना है, टॉर्क अपने को दे रखा है, टॉर्क कितना दे रखा है 4 बराबर क्यू अपने को फाइंड करना है। एल का मान कितना दे रखा है, एल का मान दे रखा है हम लोगों को, डिस्टेंस दे रखी है 2 × 10⁻². उसके बाद में इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना दे रखा है 2 × 10⁵। दे रखा है। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 बोले तो कोस 30 कितना होता है, √3/2 होता है। कितना होता है, 30 था ना बेटा, 60 कैसे कर लिया तुम लोगों ने, एंगल ही 30 था। तुम लोग नींद में रहते हो और कुछ नहीं है, सर आप थक चुके हो ना इसलिए आपका दिमाग कम चलता है। लास्ट क्वेश्चन करा दो गुरुजी। 1/2 गया। अपने को क्या निकालना था, क्यू बराबर आ गया 4/2 × 10 की पावर कितनी है बेटा, ये -5 और ये -2। तो ये आ गया 2 × 10⁻¹। आंसर आ रहा क्या इसमें, 2 × 10⁻¹ तो आंसर में ही नहीं है क्या, हमें चेक कर लिया तुम लोगों ने, माइक्रो कूलाम होना चाहिए आंसर के अंदर। एक मिनट चेक कर लो, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब है 2 × 10⁻²। पी क्रॉस ई, टॉर्क बराबर करोगे पी क्रॉस ई, और जैसे ही टॉर्क बराबर पी क्रॉस ई करोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से जाएगा। बिल्कुल सही बात है, तो आप इस तरीके से करोगे। ठीक है, ये गड़बड़ हुई ना, -2 + 5 कितने हो गए, +3। तुम चिल्ला तो रहे थे, मेरे को सुना ही नहीं दे रहा था। 2 × 10⁻³ यानी 2 μC आ जाएगा। चलो सही हो गया ना, मेरे को क्या मिस्टेक हो गई। चलो चलो बच्चों, तो क्वेश्चन सारे कर दिए, अब इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बचा है ओनली फॉर गाउसेस बचा है। चैप्टर एटमॉस कंप्लीट हो चुका है। होमवर्क जो है वो सीट के अंदर जो है आप लोग करना स्टार्ट कर दो, सीट पड़ी हुई है, आगे बढ़ जाओ और डाइपोल इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के सारे क्वेश्चन कर लेना। चलो चलो बच्चों, धन्यवाद। राधे राधे। थोड़ा सा तबीयत डाउन हो गया है, एक क्लास में ही मेरा पूरा तबीयत खराब हो जाता है, ठीक है ना, या पूरे दिन रेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो बच्चों, ओके।
टू